हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS एग्जाम 2020 के लिए कंप्यूटर का जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है उसका पेपर टू करने वाले, जो कि आपका फर्स्ट मार्च सेकंड शिफ्ट का 2023 में CBSE के द्वारा पेपर लिया गया था, वो पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसी तरीके का 90% मिलता जुलता पेपर आपको ये इसी तरीके का देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो ये एक स्टैंडर्ड पेपर है, इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। ये CBSE के द्वारा ऑफिशियल पूछा गया, पूरा ऑफिशियल पेपर आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये हमारा द एग्जाम हेल्पर चैनल है, जहाँ पर आपको EMRS मॉक प्ले लिस्ट मिल जाती है, इसमें सारे आपके मॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपडेट्स वगैरह दी जाती है। ये हमारा मेन चैनल द एग्जाम हेल्पर GK वाला चैनल है, जिसमें आपको जो है यहाँ पर GK की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर की 7 क्लास आ गई थी अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था शेड्यूल को लेकर, इसलिए है ना। अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दे दूंगा ना, और हो सकता है एक दिन में 2-3 वीडियो मैं करवा दूँ। कल आपका संडे है, तो कल मैं हिंदी को कंप्लीट करने की सबसे पहले कोशिश करने वाला हूँ, है ना। हिंदी जितना भी होगा मैं कल आपका एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो उसे आप देखते रहिएगा, फिर हम मॉक सेशन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और मैथ्स के टोटल हमारे 5 पेपर हो गए मॉक के, ठीक है भाई। नीतीश सर के द्वारा बहुत शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, नीतीश सर को तो जाके देखिए ना। और मैथ्स की क्लास 15 जो है अपलोड हो चुकी है, नहीं 14 है ना, LCMSE। ये कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर करा दी थी, ये नहीं देखा देख लेना। इसी तरीके से मैंने GK के भी करा रखे हैं ना, और PDFs वगैरह यहाँ मिलती है द एग्जाम्पल पर GK पर, तो जाके इसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये GK GS के भी मैंने करा रखे हैं। तो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के अपना जो पेपर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये है हमारा पेपर, चलिए ऊपर ले चलता हूँ आपको, ये लीजिए, ये देखिए, ये है आपका KBS डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये रिस्पॉन्स शीट है कैंडिडेट्स की, यहाँ पर रोल नंबर उसका, कैंडिडेट का नाम होता है वो हमने छुपा दिया। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मार्च की सेकंड शिफ्ट का ही पेपर है 2023 का, ठीक है। ये देखिए डेट और ये देखिए टाइम, ओके। तो इसमें हम कंप्यूटर सेक्शन अभी हाल ही में करने वाले हैं, इसके बाद हम हिंदी का कल का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको हिंदी पूरा कंप्लीट यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। रीजनिंग की भी मैं एक सेशन लेके आऊँगा, इसमें सारा कुछ जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए रीजनिंग के, एक ही क्लास में। एक्चुअली मेरे पास मैंने एक टैब ऑर्डर किया है, जिससे मैं आपको जो अभी ये समझाता हूँ वो थोड़ा सा क्लियर वे में समझा पाऊँ, इसके लिए मैंने टैब बुक कर दिया है, तो मंडे तक आ जाएगा। तो मंडे से लेकर मैं आपको पूरा जो आपका रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम कर लेते हैं कि द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर, प्रमुख मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं। ये क्वेश्चन में है डाउट भाई, जो पहले ही क्वेश्चन KBS ने पूछा ये डाउट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर KBS के द्वारा दिया गया, मैं इसका आंसर देता रैम एंड रोम। जो मेन मेमोरी के दो टाइप हैं वो थे रैम रोम, पर KBS ने जो आंसर दिया है दैट इज सेकंड नंबर, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी उसने आंसर दिया। देखिए बच्चे ने भी कौन सा, जिस बच्चे ने दिया उसने पहले सेलेक्ट किया, क्योंकि पहला ही आंसर होता है इसका बेसिकली, बट KBS ने कहीं ना कहीं इसका आंसर गलत दे दिया है, या हो सकता है ये KBS के अकॉर्डिंग आंसर है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पूरा फंक्शन ही आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये लीजिए, यहाँ से मैं आपको पूरा फंक्शन ही इसका क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये है मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पर मैंने पूरा आपके लिए ले लिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये होती है मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी, सेमी कंडक्टर या प्राथमिक या मेन मेमोरी। तो एक मेमोरी का प्रकार कौन सा है, मुख्य मेमोरी, प्राथमिक बोल लो या सेमी कंडक्टर बोल लो। दूसरा इसका प्रकार होता है सेकेंडरी मेमोरी, सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर यानी कि बैकिंग स्टोर मेमोरी। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सेमी कंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य, कोई भी कह लो आप मेन मेमोरी से बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा पूछा जाता है, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। तो ये होती है दो टाइप की मेमोरी। अब इन्होंने क्या पूछा कि मेन मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इन्होंने मेमोरी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि मेन मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो भाई मेन मेमोरी जो होती है बेसिकली, कैश तो ये अलग से आ गया है, बट मेन मेमोरी जो हमारी बेसिकली रहती है वो होती है एक स्थाई और एक होती है अस्थाई, जिसे हम बोलते हैं रोम और रैम। दो तरीके की आपकी मेन मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड रैम एंड रोम, ओके। और ये इसके टाइप्स होते हैं, रोम के टाइप हैं प्रोम, ईपी रोम, है ना, इनके सबके प्रभाव मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और ये इसको मैं बार बार बताता हूँ, ये रैम होती है अस्थाई, वोलेटाइल बोलते हैं, स्थाई को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो जो मेन मेमोरी होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है रोम और एक होती है रैम, कैश भी उसी में आती है, बट मेनली हम ऑप्शन लगाएंगे तो रैम और रोम पर लगाते हैं। अब इसने क्या पूछा था क्वेश्चन कि मेन मेमोरी कितने प्रकार की, इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए था, रैम और रोम, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, चलिए देखिए, है ना, देखिए मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं। तो मेन मेमोरी में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए क्या है मेन मेमोरी लिखा है, इसके प्रकार कौन से हैं,
एक रोम एक रैम, तो आंसर क्या लगाना चाहिए था अपन को, रैम रोम लगाना चाहिए था, ये वाला है ना, रैम रोम लगाना चाहिए था। बट केवीएस ने जो आंसर की में आंसर दिया है दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको ये पूछना था मेमोरी कितने प्रकार की होती है केवल, पर इसने मैन डाल के कंफ्यूजन में डाल दिया और आंसर की में शायद इसने गलत आंसर यहाँ पर दिया हो। ये मैं बुक का आपको पूरा विश्लेषण बता रहा हूँ। इसके बाद सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में क्या आता है, हार्ड डिस्क वगैरह ये बता चुका हूँ, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी हो गया, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, ये पहले क्वेश्चन के भी इसके द्वारा डाउट में पूछा गया था, पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, अब आप घबराइएगा नहीं। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है, तो चलिए वो अपडेट आपको पहले मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका पहली बात तो ये, आपका अगर किसी ने भोपाल एम्स का पेपर दिया था तो उसका एक रिजल्ट आ गया है, कब आपका स्किल टेस्ट वगैरह, तो ये इसे जाके चेक कर लेना। ये हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की और आपकी क्लासेस वगैरह की सारी पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पर आपको जो है मिलती रहती हैं। और अभी इस पर दोस्तों ये टेस्ट बुक के ऐप जो मॉक है आपके लास्ट ऑफर चल रहा है 399, आज 9 दिसंबर है लास्ट डे, तो जिसने परचेस नहीं किया है जाके परचेस जरूर कर लिए, कोड डाल देना B1NW47, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा द एग्जाम पर जीके, यहाँ पर देखिए पीडीएफ्स वगैरह ये सारी पड़ी हुई है ना, क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं, ये कंप्यूटर की पीडीएफ वगैरह, जीके, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है, ओके, तो जाके इसे जरूर अपील कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यूजिंग यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, यानी कि आउटपुट यंत्रों के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं भाई, जब हमें आउटपुट जो डिवाइस होती है उससे क्या करते हैं, हम डाटा को प्राप्त करते हैं, तो देखते हैं डाटा स्कैन करते हैं, नहीं ये तो कंप्यूटर को देते हैं, तो ये हो गया गलत। डाटा संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, संग्रहित तो मेमोरी में करते हैं है ना, स्टोर। चलिए डाटा देख या प्रिंट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट, ये हमको बाहर मिल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड आंसर योर। ठीक है, डाटा को प्रोसेस नहीं, ये तो इनपुट की प्रोसेस होगी अंदर है ना, तो क्या कर सकते हैं, बी हुआ प्रिंट डाटा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का दोस्तों, कि मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रणालियाँ ये क्या करती हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो मैंने कई बार बताया एक साथ जो बहुत सारे कामों को कर ले दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, हर प्रक्रिया ऑपरेशन को जल्दी पूरा करती है ना, एक समय अवधि में विभिन्न कार्यों को पूरा करती है, एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकती है एक ही समय में। ठीक है, चलिए चलिए अगला है, ये तो मैं कितनी बार करा चुका हूँ आपको यार, कितनी बार बता चुका हूँ कि जो हमारा जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में करता है, किस नंबर सिस्टम में, बाइनरी, यही पूछा है। कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि डाटा संग्रहण और पलीकरण के लिए कंप्यूटर किस चीज, किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है, तो बाइनरी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 85 नंबर का दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल इनपुट यंत्र शामिल है, इनपुट डिवाइस वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए चलिए मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट, तो ये खत्म हो गया। प्लॉटर मैंने बता दिया था, चित्र के थ्रू बताया था आउटपुट होता है। ठीक है, इसे आर्किटेक्चर वगैरह जो भवन का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उसका प्रिंट आउट इसे लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हेडफोन्स, तो ये हेडफोन, हेडफोन तो चलिए एक बार को मान सकते हैं है ना, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से आउटपुट करते हैं, बट देखिए जॉयस्टिक, लाइट पेन अंदर लिखता है, जॉयस्टिक से अंदर गेम खेलते हैं, वेब कैमरा हमारे फेस को अंदर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करता है, तो 3 नंबर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्टर बाहर दिखाता है, ध्यान रखना। चलिए सीपीयू का शब्द विस्तार रूप कितना सिंपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। चलिए 87 नो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कि जिस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों के लक्षण होते हैं उसे क्या कहते हैं, अ कंप्यूटर दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि उसमें कंप्यूटर में एनालॉग भी और डिजिटल फीचर भी है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड फीचर, ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फीचर, यानी कि दो चीज़ों, दो अलग अलग चीज़ों को मिला के जो तीसरी चीज़ बनाई जाती है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे साइंस में क्यों ना कह लें, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ओके। चलिए निम्नलिखित में से क्या मोबाइल फोन की एक परिचालन प्रणाली नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स, तो एंड्रॉयड मालूम है सबको, iOS एप्पल में होता है, ठीक है, वेब ओएस भी होता है आपका, बट यूनिक्स जो होता है ना, ये आपके कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में उपयोग होता है, किसमें होता है, कंप्यूटर में, तो ऊपर के तीन आपके जो हैं हमारे होते हैं, और जो हमारा राइट आंसर होगा चौथा, यानी कि यूनिक्स हमारा नहीं है, मोबाइल फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर्स का है। ओके, द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर आर कॉल्ड,
मॉनिटर पर एक तस्वीर यानी कि पिक्चर की संरक्षा करने वाले एकांकी बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मॉनिटर पर कह लो या आप अपने मोबाइल से जो फोटोज लेते हैं, तो वो जो फोटोज होती है ना आपकी, वो आपको लगता है कि आपने केवल सिंगल फोटो खींचे, बट उसमें ढेर सारे डॉट 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 कर करके आपकी जो प्रिंटिंग जो पिक्चर है वो ली जाती है, जो इमेज है आपकी वो बहुत सारे डॉटेड डॉटेड को मिला के बनती है। आपको लगता है एक दिख रही, बट हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती, बहुत ज़्यादा आप जूम करेंगे उसको ले जाकर, है ना, किसी सॉफ्टवेयर में, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे माइनर 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 पिक्सल्स बन के आपकी क्या कर रहे हैं, इमेज को ले रहे हैं। तो क्या होता है पिक्सल, आपने देखा होगा ना कि कैमरा के क्या आते हैं, पिक्सल आते हैं, 64 मेगापिक्सल्स। तो पिक्सल्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 90 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया था, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं, तो ये मैं कितनी बार, जितने भी भाई फाइल एक्सटेंशन होते हैं सारे करा दी थी आपको, शायद दूसरी या तीसरी क्लास मैंने कराई थी कंप्यूटर की, उसमें जितने भी फाइल एक्सटेंशन, और मैंने बताया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है फाइल एक्सटेंशन का, पूरा डिटेल में समझाया, जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए ये वाली चीज़, ये देखिए कौन सी चीज़, वही जो कंप्यूटर की मेरी 7 क्लास हो चुकी है ना, तीसरी या चौथी क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा, और इसमें भी देखिए डोमेन नेम कराता हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस सब सब कुछ करा रखा है, किससे क्या हुआ, कौन सी चीज़ें क्या, शॉर्टकट की फुल फॉर्म सब कुछ करा रखा है। ये सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से उठ के आते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था जब KVS का एग्जाम होता, और वही क्वेश्चन आपके देखिए इसमें उठ के आ गए पूरे पेपर में KVS के में। ओके, तो मैंने बताया था कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन से हम ये पहचान करते हैं कि वो फाइल किस टाइप की और वो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खुलेगी, ये हमको पता होता है, कि वो उसका एक प्रकार बताता है कि ये फाइल किस तरीके की फाइल है। तो देखिए अब हम क्या बोलते हैं, जब फाइल में एक्सटेंशन हो तो उपयोगकर्ता यानी कि जो उपयोग करता है उन एप्लीकेशन में फाइल खोल सकते हैं जो उनके पास नहीं है, भाई फाइल ही नहीं है तो फाइल कैसे खोल लेंगे ना। जब फाइल में एक्सटेंशन हो तो कंप्यूटर तय कर सकता है कि उसे किस एप्लीकेशन में खोलना है, देखिए ये है, देखिए अगर आपकी कंप्यूटर को, देखिए आप मोबाइल को ही ले लीजिए, अगर कोई PDF फाइल होगी तो उसे मालूम है कहाँ खोलनी है, वो PDF ड्राइवर में जाके खुलता है, अगर उसे मालूम है JPG फाइल है तो वो गैलरी में जाके खोल देता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है, अगर कोई वीडियो फाइल है तो वो उसको वीडियो सॉफ्टवेयर में खोल देता है, तो वो एक्सटेंशन चलता है उसका, ठीक है, तो जो उसका एक्सटेंशन होगा वो उसको उस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वेन अ फाइल हैज एन एक्सटेंशन द कंप्यूटर कैन डिसाइड वॉट एप्लीकेशन टू ओपन इट इन, ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। चलिए अगला है, एक संस्था के प्रमुख को पत्र लिखने के लिए आप इनमें से किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे, अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक लेटर लिखना है तो आप किसके थ्रू लेटर लिखेंगे, भाई स्प्रेडशीट के थ्रू, ये तो भाई हमारा एक्सेल होता है इसमें तो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में तो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं भाई, उसको लेटर लिखना है, डिज़ाइन नहीं देना है ना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें तो कोई हमारा बिजनेस का आइडिया हो गया, या कोई भी इस तरीके का जो हमें प्रचार प्रसार करना होता है, कोई प्रेजेंटेशन बनाती होती है, किसी चीज़ को समझाना होता है डीपली, उसमें ग्राफ्स वगैरह बना के, तो हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, इसमें हम भेज क्या रहे हैं भाई, लेटर भेज रहे हैं, लेटर किससे बनता है, वर्ड से मिलकर बनता है लेटर, है ना, वर्ड से ही मिलकर बनता है, तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, है ना, इनकी जो MS वर्ड होता है हमारा उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पत्र लिख सकते हैं। ओके, चारों का मैंने डिफरेंस आपको यहाँ पर समझा दिया। 92 नंबर है हमारा दोस्तों, 92 बोलता है कि यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, किसी प्रलेख की रूपरेखा फॉन्ट, ये फॉन्ट होगा है ना, ये कुछ भी छापते ही लोग, फॉन्ट और रंग बदलने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग क्रिया को क्या कहते हैं, देखिए वर्ड की एक प्रोसेसिंग है, यानी कि जो हमें MS वर्ड में फॉन्ट वगैरह बदलते हैं, रूप वगैरह बदलते हैं, उसका अपियरेंस बदलते हैं ना, देखिए वॉट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद फॉन्ट्स एंड कलर, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, हम उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग कराना, है ना, उसके भाई अपने अपियरेंस चेंज कर दी, मैंने करके भी दिखाया था आपको ना, फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें सारी चीज़ आती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से आपका स्टाइल खुल जाती है, यानी कि अपियरेंस खुल जाता है ना, तो ये सारी आप उसमें जाके देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेटिंग में। ओके चलिए, 93 क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो MS वर्ड का जो डिफॉल्ट होता है यानी कि जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो उसका जो पेज आपका ओपन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, क्या होता है, पोर्ट्रेट रूप में आपका जो पेज है वो खुलता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा भाई डेस्कटॉप पर, ओके चलते हैं, डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा, चलते हैं डेस्कटॉप पर, 1 सेकंड रुकिए आपको दिखाई देता हूँ ना, लो न्यू डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ से अपन इस पर चलते हैं, देखिए ये है, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है,
ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है ना रिसेंटली। यहाँ पर आपके लिए देखिए टाइपिंग वगैरह चल रही है, लगभग मैंने एनसीएंट हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करके रखे। तो देखिए इसका जो मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, ओरिएंटेशन में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए कौन सा सिलेक्ट है, येल्लो किसके ऊपर है, देखिए येल्लो येल्लो पॉइंट पोर्ट्रेट के ऊपर है, तो ये ऑलरेडी किस में खुलता है, हमारे पोर्ट्रेट में जाके खुलता है। ओके चलिए तो इसको आप बंद कर देते हैं, अपने प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए 94 कर लेते हैं कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज प्री क्रिएटेड डिजाइन स्टाइल टू रेगुलेट द लेआउट कलर स्कीम एंड फॉर्मेटिंग दैट आर नोन एज, यानी कि एम एस पावर पॉइंट प्रस्तुतियों में ढांचा रंग और रूपरेखा तय करने के लिए पूर्व स्थापित डिजाइन शैलियों का प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं, यानी एम एस वर्ड में क्या है, कुछ ऐसे फॉन्ट ऐसे कुछ उसकी स्टाइल्स वगैरह उसके कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दिए होते हैं उसमें, तो जिससे हम अपनी जो प्रोसेस अपनी जो प्रेजेंटेशन बना लें उसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। वो उसमें क्या कुछ चार्ट वगैरह दे देता है, फंक्शन दे देता है, कुछ उसमें स्मार्ट आर्ट दे देता है, तो उससे हम कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ओके अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले या प्रेजेंटेशन एज टाइल्स एंड मेन टेक्स्ट ओनली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पावर पॉइंट प्रस्तुति को केवल शीर्षक और प्रमुख टेक्स्ट की तरह दर्शाता है, केवल उसका शीर्षक आया उसमें और प्रमुख टेक्स्ट आया उसमें, ये दर्शाता है। ठीक है तो ये जो है ना टाइटल्स और उसका प्रमुख टेक्स्ट, तो ये कौन सा व्यूज होता है। ठीक है तो इस तरीके के आपके एम एस वर्ड हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस आपका एक्सेल हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम के बिल्कुल क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के अगर आप एम एस ऑफिस वर्ड से क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको एम एस पावर पॉइंट जो है अच्छे से आना चाहिए। मैं एक एक क्लास लगा दूँगा एम एस वर्ड पावर पॉइंट की, तो उसे आप देख लेना है ना, मेरा वो आने दो, पेंटैब आ जाएगा मंडे को, तो पूरा डिटेल में आपको मैं हाईलाइट कर करके, क्योंकि इसमें क्या पेन सभी जगह चलता नहीं है ना, कुछ लिमिटेड जगह ही पेन चलता है, तो उसमें आ जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में एक एक वीडियो पूरा ले आऊँगा कि पावर पॉइंट में क्या क्या पूछे जा सकता है एम एस वर्ड में, तो वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि केवल हमें टाइटल्स देखे और मेन टेक्स्ट होने दिखे तो कौन सी चीज़ होती है, मैंने आपके लिए खोल के भी रखा है, देखिए खोल के रखा है। ठीक है ओके तो देखिए वो कौन सा भी होता है जिसमें आपको टाइटल्स देखे और जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो देखिए, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइड्स है, इसके बगल में आउटलाइन व्यू, तो जैसे ही आप आउटलाइन व्यू में जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, द एग्जाम हेल्पर, केवल हमारा जो मेन टेक्स्ट है वही दिख रहा है। ठीक है क्या दिख रहा है, मेन टेक्स्ट दिख रहा है ना, और ऊपर आपका ये टाइटल दिख रहा है, या इसको भी बोल सकते हैं ठीक है, एक नंबर ये करके इस तरीके से। तो आउटलाइन व्यू में हमको केवल मेन, देखिए यहाँ पर फोटो भी, अगर फोटो दिखेगा, फोटो कहाँ दिखेगा आपको, स्लाइड में जाएंगे तब, देखिए स्लाइड में क्या दिख रहा है, फोटो दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ फोटो भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, बट जैसे ही आउटलाइन व्यू में गए तो केवल क्या दिख रहा है आपको, द एग्जाम हेल्पर लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट दिखता है ना और उसका टाइटल दिखता है ऊपर। चलिए तो क्या होती है वो, आउटलाइन व्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटलाइन व्यू। ओके आउटलाइन व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, मैंने ये बताया था आपको, कितनी बार बता दिया भाई, पेपर भी कराया मैंने है ना, ये लो ये बन गई, ये लो, तो ये जो बना है ना ये चीज़, ये जो एक बॉक्स बना है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कॉलम ही तो है, ये देखो ये हो गया कॉलम, ये हो गई रो, तो ये जो एक सेल बनाया है इसने इस तरीके से काटने पर है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है बता चुका हूँ मैं आपको है ना। चलिए एक फाइल में विभिन्न रिकॉर्ड को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी आपकी फाइल है उसको अरेंज करना है ना गिवन ऑर्डर में, सिक्वेंसिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग करना है ना। चलिए अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से MHRD की कौन सी ICT पहल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के ई शासन से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी संस्था है या कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उसके डिजिटल रख रखाव करना, यानी कि डिजिटल स्टूडेंट का डाटा हो, डिजिटली उसमें काम हो, डिजिटली उसमें पढ़ाया जाए, डिजिटली सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सारा कुछ मतलब उसमें डिजिटली रूप से हो, हम जैसे अदर कंपनियों की हेल्प ले पाएं बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेटर करने के लिए, तो इसके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, उस स्कीम का जो नाम है या इनिशिएटिव कह लें या कोई पहल कह लें तो उसका नाम है समर्थ। ठीक है क्या नाम है, समर्थ आपका जो है इसमें नाम हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ठीक है मैंने ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है इसका, चलिए एक सेकंड ओके, तो मैं इसको
छोटा करता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ व्हाट इज समर्थ पोर्टल। तो देखिए ये है समर्थ पोर्टल, अबाउट समर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो समर्थ एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो पहले आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसका नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। स्टार्टेड इन 2019, 2019 में से स्टार्ट किया गया था समर्थ को, है ना, अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, है ना। अब देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये होता है आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये एजुकेशन पे बेस्ड था, ठीक है। इस तरीके की कोई भी स्कीम अगर, है ना, देखिए समर्थ ई गवर्नेंस लिखा हुआ है, इस तरीके की कोई भी जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है जिसका जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा, तो वो आपसे पूछी जाएगी किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, क्या इसका इनिशिएटिव है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था कि नेशनल एजुकेशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन ऑफ ऑन एजुकेशन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो विद एन एम टू इनेबल द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू अ डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग मैनेजमेंट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर स्टूडेंट स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर, यानी कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी या कोई भी जो एक जो स्टडी से रिलेटेड संस्था है उसके अंदर कोई भी गतिविधि हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, दैट इज कॉल्ड समर्थ पोर्टल। तो आई होप आप समझ रहे हो कि समर्थ क्या है, ठीक है। तो समर्थ का आपसे फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछ लिया था, तो मैं आपको चलिए इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। समर्थ का फुल फॉर्म भी हमसे पूछता है, देखिए इस तरीके से समर्थ का आप ई गवर्नेंस खोलेंगे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल बता देगा, आप अपना यूजर नेम रोल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं ना। समर्थ की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि यहाँ से फुल फॉर्म क्या होने वाली है, तो ये पूछी जाएगी इसलिए मैं आपके लिए लाइव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो समर्थ डाल देते हैं, समर्थ फुल फॉर्म, ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए मुझे याद है पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा ना तो आपको बहुत जल्दी जो है इजीली हो जाएगी। भाई फुल फॉर्म दिखा दो कोई, कोई भी ना दिखा रही है फुल फॉर्म इसकी, समर्थ स्कीम फुल फॉर्म, इसमें तो नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं आपको ना ये इसकी फुल फॉर्म लेके अपने उस पर डाल दूंगा ना टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है, ओके, वहाँ से आप इसको देख लेना। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए अगला 99 क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सामान और सेवाओं की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं। इंटरनेट पर आप कोई सामान खरीद रहे हो क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, करा ही दिया मैंने अपने क्वेश्चन में जो डेली हम 50 करते हैं। ये मस्त क्वेश्चन है भाई, देखिए ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ICT से, है ना, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। चलिए तो इसका मतलब है, और आपके काफ़ी सारे जो सिलेबस उसमें ICT का जिक्र किया गया है कंप्यूटर के सेक्शन में। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव अ स्कीम दैट प्रमोट्स ई गवर्नेंस, यानी कि जो ई शासन को बढ़ावा देती है उस पहल का चुनाव करें, दैट इज कॉल्ड डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या ई शासन को बढ़ावा देती है, जैसे आप गाड़ी पकड़ ली तो आप क्या करते हैं, सर ये मेरा डिजी लॉकर है, इसमें मेरा लाइसेंस है, इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी जो होता है ना, है ना, जो हमारे पॉलिसीज वगैरह होती है, पूरा इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह, गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस वगैरह, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सब कुछ हम डिजी लॉकर में रखते हैं और उसको गवर्नमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वो वैलिड आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों जो आपका 1 मार्च का 2nd शिफ्ट था उसका हमने कंप्यूटर का जो पूरा पेपर है वो कर लिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, है ना, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करके रखिएगा दोनों चैनल को, द एग्जाम पर जी और एग्जाम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।